हाँ, तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी दोस्तों, आज भी जो है ना बिहार बोर्ड से है ना मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले, तो ये वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो है ना एनुअल एग्जाम की तैयारी के लिए जो है ना रामबाण प्रश्न पत्र जो है ना वायरल पेपर जो है ना लेके आए हैं, बिल्कुल वायरल पेपर जो है ना मैथ का। और ये क्वेश्चन जो है ना मॉडल पेपर के आधारित समझे, इस क्वेश्चन को आप देख कर जाइएगा समझे, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है काफ़ी शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन इसको समझ लिए, ये क्वेश्चन आप पढ़ लिया समझिए, तो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जो है ना आपको कोई रोक नहीं सकता है, और जिस तरह से जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो हमको तो लग रहा है, अनुमान ये भी पता चल रहा है कि जो है ना आपको जो है ना लगभग जो है ना 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा समझिए, आपको 100 ऑब्जेक्टिव मैथ में मिलेगा, उसके बाद जो है ना यहाँ पर जो है ना हिंदी में मिलेगा, उसके बाद जो है ना संस्कृत में, मतलब क्या है कि सोशल साइंस और उसके बाद जो है ना साइंस में सिर्फ जो है ना ये 80 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, उसके बाद जो है ना सोशल साइंस में 80 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है। बाकी बात जो है सब में लगभग हमको अनुमान लग रहा है कि है ना 100 मिलेगा समझिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट, जो ना आप लोग जो ना फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और पर चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा सभी, क्योंकि जो ना रोज डेली मैं आपको सुबह में 6 AM, ठीक है, मतलब 6 AM सुबह में, ठीक है, आपके लिए क्लास लेकर आता हाजिर हो जाता हूँ, ठीक है। आप लोग जो ना सारा का सारा क्लास करेंगे 6 AM सुबह में, और डेली जो ना लाइव क्लास चलता है समय, आप जानते हैं ना लाइव क्लास जो है ना यानी कि मॉर्निंग में जो ना 10 बजे चलता है, ठीक है, 10 बजे मॉर्निंग में चलता है, और इवनिंग में जो है ना 7 बजे 7 PM मतलब चलता है, ठीक है। ये 3 क्लास चलता है, आपको लोग इस 3 को अटेंड कर लेंगे तो है ना आपके लिए जो मैं बोल रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 फोर कराओगे, ठीक है, तोड़ कराओगे, इस तरह से देखोगे, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और इस तरह से ना यदि आपको जो है पता है क्वेश्चन का जवाब तो आप लोग जो है जवाब देंगे, नहीं पता है तो हम ध्यानपूर्वक समझिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैथ समझने वाला चीज है। कहता है देखिए, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या, बताइए निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। तो देखिए आपको संयुक्त संख्या नहीं समझ में आया तो थोड़ा नीचे में आप बढ़ जाइए, यहाँ पर देखिए इंग्लिश में देख लीजिए, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर का मतलब होता है भाज्य, क्या होता है भाज्य संख्या होता है, क्या होता है साजी भाज्य संख्या होता है, याद रखना, ठीक है। तो भाज्य संख्या कौन है बाबू, तो भाज्य संख्या क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है, तो यह किया जो ना ये अभाज्य संख्या है ना जी, ये क्या है अभाज्य संख्या सब है, ठीक है, तो ये क्या है भाज्य संख्या, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संयुक्त संख्या इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि पाई है, देखिए मैंने पहले वीडियो में मैंने आपको मॉडल पेपर पढ़ाया है, अगर वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है प्ले लिस्ट का, वहाँ से देख सकते हैं, या हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम में जो है ना वीडियो में जाना, वीडियो से बाद में जो है ना प्ले लिस्ट देखने को मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में जाकर आप जो है ना देख सकते हैं, ओके, वहाँ पे भी ना सारा का सारा मैं वीडियो है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ सुबह में 6 AM में, तो सारा का सारा जो है ना वीडियो मैं आपको अपलोड कर देता हूँ समझे, वहाँ से, ठीक है। तो कहता है पाई क्या है, तो पाई जान लीजिए, पाई एक अपरिमेय संख्या, याद रखेंगे पाई क्या है, तो अपरिमेय संख्या, इस बात को याद रखेंगे, लेकिन इसमें पूछेगा 22/7 क्या है, तो इसको याद रखेंगे, क्या कहलाएगा परिमेय संख्या कहलाएगा, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। पाई पूछेगा तो अपरिमेय संख्या, अगर 22/7 पूछेगा तो क्या कहेगा, क्या कहेंगे आप लोग जो है ना उसको परिमेय संख्या कहेंगे, इस बात को याद रखें, क्योंकि पाई का जो मान होता है, पाई का मान होता है 22/7, आप पढ़े होने समझे चैप्टर नंबर 10 में 11 में 12 में, 11 में तो रचना है छोरी, 12 में 13 में, ये सब जो है ना सिर्फ पाई का ही खेल उसमें है समझे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय, क्या पूछ रहा है अपरिमेय पूछ रहा है, थोड़ा नीचे देख लेंगे ऑप्शन, ठीक है, तो अपरिमेय संख्या कौन होता है, देखिए तो इसको हम काटेंगे तो काटेंगे तो क्या, 3 × 3 और 3 × 4 रूट अंडर में, तो 1 करोड़ कितना होता है 1, और 4 करोड़ कितना होता है 2, ये बाहर निकल गया, तो जो बाहर निकलता है क्या कहलाएगा परिमेय कहलाता है, क्या कहलाएगा परिमेय कहलाता है, ठीक है, जो बाहर नहीं निकलता है क्या कहलाएगा अपरिमेय कहलाता है, ठीक है। इसको काटेंगे तो क्या होगा 7 × 7 एक रूट अंडर में 1 तक कितना होगा बाहर निकल जाएगा 1, ये कितना होगा भाई, तो इसको रूट से रूट कट जाएगा 2 निकलेगा, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आप 2 × 2 2 × 5 10 रूट अंडर में क्या होगा 1 का रूट तो निकल जाएगा लेकिन 5 का नहीं निकलेगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट जवाब, क्योंकि अपरिमेय पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है अपरिमेय सर जी, तो अपरिमेय क्या होगा सर जी, तो ऑप्शन नंबर यानी कि रूट टू बट्टा में क्या होगा जी 5 हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है, चलिए बहुत अच्छे वेरी गुड। अगला प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 तो बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में भी काफी शानदार प्रश्न दिया हुआ है, और इस प्रश्न को आप लोग तोड़ोगे फोड़ोगे, क्योंकि ना ये क्वेश्चन आपके लिए भी प्रश्न है, ठीक है। कहता है दो संख्याओं का लसा
तथा मसा बराबर है तो संख्या क्या होगी, ठीक है। तो लास्ट दो संख्या लो, ऐसा मान लो कोई एक संख्या हम लेते हैं जैसे पाँच, समझे, दो संख्या का दो संख्या होगा लसा, तो मान लीजिए पाँच पाँच लेते हैं, ठीक है, तो दो संख्या उसको ले लिया, ठीक है। अब इसका लसा निकालेंगे तो क्या होगा भाई, तो लसा भी पाँच आएगा और इसका एस सी एफ मतलब लसा एक होगा ना जी, एक होगा और एस सी एफ एक होगा और एल सी एम निकालेंगे एल सी एम तो क्या होगा जी पाँच हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए कोई संख्या ले लेते इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यह अभाज्य संख्या, ये देखिए ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर कभी अभाज्य संख्या आता है, कभी भाज्य संख्या आ रहा है, समझिए, तो ये क्या कहलाएगा, ये बराबर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बराबर कहलाएगा, इस बात को याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन नंबर पाँच के, तो बढ़ते हैं, पाँच में दिया हुआ है कि 0.29 उसके ऊपर रेकरिंग दिया हुआ, दोनों के ऊपर। तो देखिए सबसे पहले क्या है, जिसके ऊपर रेकरिंग दिया हुआ उसको लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए कितना अंक के ऊपर रेकरिंग दिया होती है, दो अंक के ऊपर रेकरिंग दिया हुआ, तो नीचे में दो और नौ लिखेंगे, देख कर जवाब दोगे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए वेरी गुड, चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ, देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन नंबर छः में कि 1 - sin 60 डिग्री, ठीक है। तो वन का वन है माइनस, और साइन 60 डिग्री का वन कितना होता है बाबू, जल्दी से बता दो। तो कहोगे सर जी √3/2, अब उसका स्क्वायर है ना जी, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ओके। देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, एक एक तोड़ के मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो वन का वन है माइनस, उसके बाद यहाँ पर देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 3 हो जाएगा, अब बट्टा में 4 का 2 का इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो होगा कितना होगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर ना कुछ तो एक दोनों का एलसीएम ले लो 4, ठीक है। इससे भाग करेंगे तो यहाँ पर 4 माइनस उसके बाद 3 मतलब होता है कितना 1/4, देख कर जवाब लगाओगे 1/4 कहाँ गया थी, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सर जी सी, बिल्कुल राइट जवाब, ठीक है। आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7 के, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्नलिखित में कौन सा जो है कौन सी संख्या है जिसका दशमलव प्रतिशत क्या शांत है, किसका दशमलव प्रतिशत शांत है। चलिए थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं, ठीक है। तो शांत कौन कह रहा है बताओ, जल्दी से बताओ। तो देखिए थोड़ा सा इसमें नजर लगा देते हैं, तो 21 दिया हुआ, ठीक है। 21 को तोड़ते थे 3 × 7 आ जाता है। अब शांत कौन कहता है, तो 2 × 5 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 2 और 5 के सिवा कुछ नहीं आना चाहिए। वो क्या कहलाएगा, जो 2 और 5 आएगा तो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा, ठीक है। और 2 और 5 के अलावा कुछ भी आएगा तो क्या कहलाएगा, अशांत। जैसे 2 और 5 के अलावा ये चीज आ गया तो ये क्या कहलाएगा, अशांत। भाई हमसे पूछा है शांत, ये तो होगा नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे 121 दिया हुआ, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इधर थोड़ा ध्यान लगा दे, ठीक है। देखिए 40 का फैक्टर तोड़ लेगा, ठीक है। तो 20 मरतबा, फिर 10 मरतबा, फिर लगाएंगे तो 2 × 5 = 10। देखिए 2 और 5 आ रहा है, ठीक है। तो क्या कहा लगा, शांत कहा लगा ना जी, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे प्रश्न दिया हुआ है, देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, काफी शानदार क्वेश्चन दिए गए। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रतिशत अशांत, मैंने अभी बताया ना कि 2 और 5 के सिवा कुछ भी आता है तो क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अशांत। ये क्या कहलाएगा, तो ये शांत कहलाएगा, क्या कहलाएगा, जैसे 2, 3 आ गया, उसके बाद 5 आ गया, उसके बाद 7 आ गया, 9 आ गया, 11 आ गया, 6 आ गया, इस तरह से क्या कहलाएगा भाई, तो ये जो ना ये सब क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अशांत, ठीक है। तो सब सर पूछ रहा है इसमें अशांत कौन है, तो देखिए ये जो है ना ये शांत है, क्योंकि है ना 8 को तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 2 सिर्फ 2 आ रहा है और इसमें 5 नहीं आता, 5 अपने मन से बैठा कर उसके पावर 0 ले देंगे, ये शांत बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी शांत कहलाएगा। इसको 15 को तोड़ते हैं तो देखिए इसको काटेंगे तो देखिए यहाँ पर काटेंगे तो कितना होगा भाई, 3 × 3 = 6 और 3 × 5 = 15, ठीक है। 5 आ गया ना नीचे, यह भी शांत कहलाएगा, यह भी शांत कहलाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पर जो है यहाँ भी जो है ना ये भी शांत कहलाएगा, ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल सही अब होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, शांत नहीं होगा, अशांत हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, कहता है कि ये 400 के अभाज्य गुणनखंड में 4 का घात कितना, बताइए 400 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए बोल रहा है, पहले अभाज्य गुणनखंड कर देता हूँ, चलिए कर दिया, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं मैं कर रहा हूँ, इसी तरह से आपको एग्जाम में भी करना है गुणनखंड, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ से देखिए अभी आप देखिए 5 से 25, अब देखिए अभाज्य गुणनखंड 5 का घात कितना, देखिए 5 का घात, देखिए 5 का मतलब 1 मतलब 2 मतलब, ऑप्शन नंबर देख कर बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे प्रश्न दिया हुआ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 में भी काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है,
और कहता है, देखिए कहता है कि देखिए ये जो है ना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है और इतना दिया हुआ है और इतना दिया हुआ, ठीक है। कहता है इसका मासा लासा इतना है, ठीक है, मासा इतना है। कहता है एक्स और वाई, एक्स वाई का मान निकालना है। क्या करना है सर जी? एक्स वाई का मान निकालना है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 30 को देखिए, सबसे पहले 130 बराबर क्या लिखेंगे, 15 गुने क्या हो जी? तो यहाँ 130 को तोड़ेंगे ना, फैक्टर तोड़ दो सबसे पहले क्या हो, तो 130 को फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 गुने 5 गुने इस तरह से निकलेगा भाई। थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक समझिए क्वेश्चन को, ठीक है। इस तरह के एक्स वाई का वैल्यू निकालना जी, तो 2 गुने हो जाएगा, उसके बाद कितना होगा, तो 5 15 10 गुने 13 मतलब 130 होगा। चलिए ये इतना हो गया, ठीक है। अब पता क्या है भाई, इसमें से जो ना यहाँ देखिए कि यहाँ पर जो ना अगला जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बताइए, तो अगला जो दिया हुआ है वो 15 दिया हुआ ना जी, 15 का दिखेगा, 15 का तोड़ेंगे तो क्या होगा जी, तो 15 का 3 गुने क्या होगा जी, 5 हो जाएगा, ठीक है। तब देखिए कि यहाँ पर जो है ना 30 और 15 का मैंने दोनों निकाल दिया, 30 और 15 का निकाल दिया, दोनों का फैक्टर तोड़ दिया। अब दोनों में देखिए कौन कॉमन है बताइए, 5 कॉमन है जी, कौन कॉमन है, 5 कॉमन है। अब देखिए 5 से विभाजित होने वाला कौन कौन अंक है बताइए, ये 5 से नहीं होगा क्योंकि ये 10 तो कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए ये कॉमन नहीं होगा, ये कट जाएगा 5 से लेकिन ये नहीं कटेगा, चलिए कोई बात नहीं है, ये भी नहीं कटेगा सभी, और ये कट जाएगा बिल्कुल, 5 के बराबर 15 5 के बराबर 10 बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही होगा, क्योंकि यहाँ पर दो संख्याओं का मसा दिया हुआ, दोनों का फैक्टर तोड़ के मसा निकाल दो, आंसर निकल जाएगा एक्स वाई का मान निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 का कहता है देखिए 125 का परिमेयकरण, आपको परिमेय खोजना है, ठीक है। 125 में कितना से गुना करेंगे जो परिमेय बन जाएगा, ठीक है। तो रूट अंडर में क्या है 125, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ऑप्शन में देखेंगे, इस ऑप्शन में आपको लेना है, तो अब देखिए हम रूट 5 ले लेते हैं, ठीक है। एक मरते क्या लेते हैं, रूट 5 लेते हैं, अगर उससे निकल जाता है परिमेय तो हम बना लेंगे, ठीक। तो 125 को तोड़ के फैक्टर तोड़ करेंगे तो 5 रूट कितना होगा, 5 होएगा, ठीक है। अब हम ले रहे हैं कितना, 5 रूट 5 लिया है, ठीक है। अब 5 से 5 में गुना हुआ, रूट 5 में गुना, 5 गुने और नीचे बाहर क्या बचा, 5 हो जाएगा, तो बचा 25। देखिए 25 क्या है, परिमेय संख्या, मैंने बोला पहले परिमेय संख्या को निकालना, तो परिमेय संख्या निकल गया ना जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में भी काफी शानदार क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी युग्म जो है स अभाज्य बताइए, स अभाज्य कौन सा युग्म है, ठीक है। तो स अभाज्य कौन होता है जल्दी से बता दो, जिसका एचसीएफ क्या होता है 1 के बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं स अभाज्य, को फैक्टर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, को फैक्टर, ठीक है। जिसका एचसीएफ क्या होगा जी 1 के बराबर होता है, उसको क्या कहते हैं स अभाज्य। देखिए इसको हम तोड़ेंगे तो भाई ये कहीं ना कहीं जो है ना 5 आ जाएगा इसमें, ठीक है, ये 13 इसमें आ जाएगा, ठीक है, 13 इसमें करेंगे तो 21 आ जाएगा, 21 चौके 84 हाँ जी 21 आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा बिल्कुल, इसका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर देख के जवाब लेंगे, ए हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में भी काफी शानदार क्वेश्चन है, कहता है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है ये, तो रैखिक बहुपद जो है ना ax2 + bx होता है, ठीक है। तो एक से शून्यकों की संख्या बोला समझे, तो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होता है, याद रखेंगे। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होता है, और त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है 3 होता है, इस बात को याद रखना है, ठीक, इस बात को याद रखें। त्रिघात ये क्या कहलाएगा, द्विघात कहलाएगा, इस बात को याद रखें, ये क्या कहलाएगा, रैखिक, ओके। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में भी काफी शानदार क्वेश्चन दिया, कहता है कि आप देखिए x-1 का शून्य, मैं इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार बता चुका, ठीक है। तो x-1 का शून्य, शून्य देने के लिए क्या करेंगे, 0 बैठा देंगे, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा, तो ये माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में 1, x का मान कितना होगा 1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है, तोड़ फोड़ दोगे ये क्वेश्चन का आप देख कर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है देखिए किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि इतना है और इतना है, ठीक है, तो शून्यक का मान अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है, ठीक है। द्विघात बहुपद, सर जी द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहोगे सर जी फॉर्मूला होता है कि ax2 मतलब होता है, कहने का मतलब x2 माइनस
अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, अब प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। अब देखिए कहता है अल्फा का मान कितना है माइनस चार, बीटा का मान कितना है सर जी तो सात, इसको यहाँ पर बैठा देते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान माइनस चार और बीटा का मान कितना है भाई तो सात, उसके बाद एक्स इंटू में उसके बाद प्लस का प्लस, अल्फा का मान माइनस चार दिया हो तो माइनस चार गुने और बीटा का मान कितना है सात, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और यहाँ देखिए क्या होगा जी तो इसको घटा देंगे तो कितना है तीन, प्लस माइनस क्या होगा जी माइनस तीन, तो माइनस थ्री एक्स। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए सात चौगा कितना होगा अट्ठाईस, माइनस में दिया हुआ माइनस प्लस क्या होगा माइनस, माइनस अट्ठाईस। देख कर जवाब लगाओगे ऑप्शन नंबर सी, पंद्रह क्या होगा जी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट जवाब, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, आगे जो प्रश्न दिया हुआ है वो काफी शानदार क्वेश्चन दिए गए हैं। कहता है एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग कितना है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ, शून्यकों का योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दे चुका है कितना पांच, और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल कहने का मतलब इसका मान दिया हुआ, ठीक है। कहता है बहुपद फिर से वही फॉर्मूला लगाना, ठीक है। फॉर्मूला जानते हो ना जी, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अभी मैंने बताया था ना जी, उसके बाद क्या होता है प्लस अल्फा इंटू क्या होता है बीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ तो पाँच दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पाँच और एक्स का एक्स, ओके। चलिए आप देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ तो छः, प्लस में तो छः हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यानपूर्वक देखिए एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स और प्लस छः कहाँ दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ अगला प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि 17 की तरफ बढ़ते हैं, 17 में है। यदि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस छः वाई बराबर छः वाई प्लस आठ के शून्य अल्फा कोमा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सी बाई ए, सी का मान आठ बट्टा में ए का मान कितना है सर जी यहाँ पर ना कुछ तो एक, मतलब काटेंगे कितना होगा आठ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 18 में है कि बहुपद एफ एक्स बराबर इतना है एफ और एक्स के जगह कितना दिया हुआ है, एक्स के जगह माइनस वन दिया हुआ। अब जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ क्या करेंगे माइनस वन, तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स अब प्लस दो। कमेंट कीजिए सर जी एक्स थ्री एक्स का थ्री और थ्री और एक्स का मान कितना है तो माइनस वन, तो माइनस वन और उसका स्क्वायर माइनस सेवन गुने माइनस वन प्लस क्या होगा जी टू, क्योंकि है ना माइनस वन रखना है एक्स का मान, ठीक है। तो थ्री का थ्री और एक का स्क्वायर कितना होगा एक, और यह माइनस माइनस क्या होगा जी प्लस हो जाएगा एक जो है ना, तो प्लस सेवन प्लस टू, ठीक है। तो कितना होगा जी यहाँ पर जो है ना थ्री प्लस सेवन प्लस टू सात दो नौ नौ तीन कितना होगा बारह, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए वह बहुत अच्छे, वेरी गुड। इस तरह से आपको बनाना है, ध्यानपूर्वक देख लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा सही अब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में है काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिखे। कहता है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस थ्री के शून्य क्या होगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री शून्य का मतलब जीरो लगा दो, अब यहाँ से आपको एक्स निकालते एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा थ्री हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक्स निकालना है जी, तो एक्स निकालेंगे तो क्या होगा जी ये जो स्क्वायर रूट में जाएगा, ठीक है। तो एक मतलब प्लस में एक मतलब माइनस में, ठीक है। तो एक्स मान क्या आया तो एक मतलब रूट थ्री हो गया, तो एक मतलब माइनस रूट थ्री होगा, तो रूट थ्री और माइनस रूट थ्री ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, अगला प्रश्न कहता है देखिए निम्नलिखित में छः एक्स स्क्वायर सॉरी छः एक्स माइनस टू वाई बराबर जीरो, और कहता है कि दस एक्स प्लस टू वाई बराबर बत्तीस, इसको समीकरण क्या मान लेंगे एक, इसको समीकरण क्या मान लेंगे दो मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ करेंगे देखिए छः एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, उसके बाद दिया हुआ दस एक्स और उसके बाद प्लस टू वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है बत्तीस, ठीक है। समीकरण एक समीकरण दो को जोड़ने पर ले देंगे, इसको कट जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो सोलह एक्स दोनों को जोड़ दो ना सोलह और बराबर बत्तीस, सोलह के बराबर बत्तीस का मतलब एक्स बराबर दो, एक्स बराबर दो देखिए कहीं पर है तो बिल्कुल सही है, एक्स बराबर कहाँ दिया हुआ दो, अब नीचे भी दिया हुआ दो, अब कन्फ्यूजन है कि सर कैसे होगा जब दोनों में दूध दिया होगा क्या होगा, तो फिर क्या करेंगे समीकरण एक में क्या करेंगे समीकरण एक इसको माने चलिए जी एक में रख दो, ठीक है। तो समीकरण एक छः एक्स माइनस टू वाई
बराबर जीरो। अब छ गुने एक्स का मान क्या रखना है, तो एक्स का मान आया था दो, तो दो माइनस टू वाई बराबर जीरो, छः दुना बारह माइनस टू वाई बराबर क्या होगा जीरो। अब यहाँ से क्या निकलोगे, तो बारह बराबर क्या हुआ टू वाई। अब यहाँ से काटोगे क्या हुआ छः, वाई का मान क्या निकला छः, वाई का मान देखिए हाँ बिल्कुल ए में बी में दिया हुआ, बिल्कुल बी में दिया हुआ सही जवाब, ठीक है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलो अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, चलिए बाबू अगला प्रश्न दिया हुआ है, कहता क्या देखिए, इस तरह का क्वेश्चन मैं बहुत बार बता चुका हूँ और हालांकि जो है इस क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहता है कि जब समांतर है तो क्या कहते हैं, समांतर जब समांतर होता है तो फॉर्मूला क्या लगता है बाबू, जल्दी बताओ। जब समांतर होता है तो ए वन बाय ए टू बराबर होता है बी वन बाय बी टू और नॉट इक्वल टू क्या होता है सी वन बाय सी टू। ए वन का मान सर जी चार बट्टा में ए टू का मान बारह, वेरी गुड। और बी वन का मान कितना है सर जी, इतना ही तक लेना है, तो बी वन का मान कितना है सर जी, तो पी और बट्टा में बी, बी टू का मान कितना है, तो यहाँ पर नौ, ठीक है। यहाँ काटेंगे तो यहाँ पर चार एकम चार, चार तेई बारह, यहाँ से क्या निकलेगा भाई, तो यहाँ पर क्रॉस गुना कर दो, ठीक है। तो यहाँ से तीन से पी में गुना तो क्या होगा तीन पी बराबर नौ, से एक में गुना क्या होगा नौ, तीन के बराबर नौ का मतलब होता है पी बराबर तीन। ऑप्शन नंबर देखकर बिल्कुल राइट जवाब, देखिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा सही जवाब, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 के बढ़ते हैं, 22 में है कि समीकरण के निकाय इतना दिया हुआ है, कहता अनगिनत हल किसमें होता है, बताइए। तो ए वन बाय ए टू बराबर बी वन बाय बी टू बराबर क्या होता है सी वन बाय टी सी टू, कितना अनगिनत है, तो के का मान निकालना है। तो देखिए अनगिनत हल कहने का मतलब होता है आप ए वन का मान डालिए, तो ए वन का मान यहाँ पर नहीं कुछ होता क्या है एक, तो आप एक भट्टा में ए टू का मान कितना है भाई, तो यहाँ पर दिया हुआ है फाइव, तो फाइव बराबर बी वन का मान कितना दिया हुआ, तो दो दिया हुआ, तो दो भट्टा में बी टू का मान कितना दिया हुआ, तो यहाँ के दिया हुआ, तो के बराबर, और सी वन का मान कितना दिया हुआ देखिए, तो सी वन का मान तीन दिया हुआ, तो तीन भट्टा में सी सी टू का मान कितना हुआ पंद्रह, ठीक है। अब जब इसको भी आप सोल्व करेंगे तो आपका सेम जवाब आएगा, और इसको भी अब इस दोनों पार्ट को भी सोल्व करोगे तो क्या होगा सेम, क्योंकि बीच में बराबर है, तो चलिए हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। एक से के में गुणा करेंगे क्या होगा के बराबर, पाँच से दो में गुणा करेंगे सर जी पाँच दो ना दस, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बढ़ते हैं, 23 में अभी काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, बताइए। तो द्विघात समीकरण जिसका घात कितना है दो, तो सबसे पहले में तो यहाँ देखिए घात कितना है तीन, ये तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा नज़र लगा लेते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो दो एक्स, और यहाँ पर जाएगा दो दुना चार एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा वन बराबर चार एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखिए इधर प्लस में इधर भी ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसको आप काटिएगा तो सर एक्स स्क्वायर इसका कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप इसको गुना करिएगा इसमें, इससे इसमें गुना करिएगा, फिर इसी से इसमें गुना करना, इसी से इसमें गुना करना, फिर इसी से इसमें गुना करना, ठीक है। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर से ई कट जाएगा, ठीक है, तो इसलिए जो है आएगा नहीं सही से, ठीक है। ऑप्शन नंबर चेला बी हो जाएगा सही जवाब, क्या होगा सर जी 23 का बी, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 के बढ़ते हैं, 24 में काफी सदर क्वेश्चन दिया हुआ, कहता है देखिए द्विघाती सूत्र, द्विघात सूत्र दिया हुआ, तो द्विघात सूत्र क्या होता है, तो द्विघात सूत्र होता है एक्स बराबर मूल, मूल का यहाँ मूल दिया हुआ है मूल का, ठीक है। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अब बट्टा में क्या होता है टू ए होता है ना जी। अब बी के जगह पर कितना दिया हुआ देखिए, यहाँ पर ए के जवाब दिया हुआ है पी, ए के जगह क्या दिया हुआ पी दिया हुआ है, बी के जगह पर कितना दिया हुआ है तो क्यू दिया हुआ, ठीक है, क्यू दिया हुआ, चलिए क्यों देख लेते हैं। और यहाँ पर देखिए सी के जगह पर कितना आर दिया हुआ, ठीक है। अब थोड़ा देखिए यहाँ पर बी माइनस बी, बी के जगह पर कितना दिया हुआ देखिए, तो यहाँ पर बी के जगह पर क्यू दिया हुआ ना जी, क्यों ले देंगे प्लस माइनस रूट अंडर बी अब क्यों का स्क्वायर माइनस चार गुने ए का मान कितना है भाई, तो ए का मान पी है, तो पी और गुने सी का, सी का मान कितना है तो आर पी आर, ठीक है। तो माइनस क्यू प्लस माइनस रूट अंडर में बटा में टू अगुने और ए का मान कितना है भाई, तो ए का मान पी है, तो पी यानी टू पी, तो यहाँ आ जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस चार पी आर बट्टा में
2P, ठीक है। अब देखिए कहाँ दिया हो, जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो, 24 का क्या होगा जी? 24 का बिल्कुल सही है। अब कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, सही जवाब। ठीक है, इस तरह से बनाना है, कन्फ्यूजन जरा सा भी नहीं होना है, इस बात को याद रखें। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 25, द्विघात समीकरण 6x² + 6x + 1 बराबर 0। तो मूल प्राकृतिक, मूल का जब मूलों की प्रकृति क्या होता है, तो मूलों का प्राकृतिक निकालने के लिए क्या फॉर्मूला रखते हैं, तो फॉर्मूला लगाते हैं डी बराबर जो ना, क्या लगाते हैं बाबू, डी बराबर B² - 4AC लगाते हैं ना, तो B² - 4AC। बी का मान कितना है सर जी, बी का मान 6 हो गए, 6 का स्क्वायर माइनस, और 4 का 4 × 1 का मान कितना है सर जी, 6, तो बिल्कुल 6 × C का मान कितना है, 1 1 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ देखिए 6 का 24, तो -24। अब यहाँ से कितना निकलेगा भाई, तो 12 निकल जाएगा, कितना निकलेगा, 12 निकल जाएगा। ठीक है, जब 12 निकल जाएगा तो क्या होगा बताइए, तो जब यहाँ पर नहीं नहीं 8 निकलेगा ना जी, 24 24, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बच गया, ये 3, हाँ ठीक, 12 निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जैसे निकलेगा तो क्या करेंगे बताइए, हाँ इस तरह से निकलेगा, तो कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो डी का जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 0 से क्या है, बड़ा है, 0 से क्या है, बड़ा है। तो जैसे 0 से बड़ा हो तो क्या होगा, वास्तविक और समान असमान हो जाएगा, वास्तविक और असमान, ऑप्शन नंबर सी में जाएगा सही जवाब, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि मूलों का योग, मूलों का योग कहने का मतलब क्या होता है, शून्यकों का योग α+β बराबर क्या होता है, -B/A। देखिए A का मान, B का मान, C का मान, B का मान कितना दिया हुआ, -18, यहाँ पे भी माइनस 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 प्लस 18, अब बट्टा में A का मान सर जी 3, 6 का 6 6 12 6 3 18, देखिए कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, उस समय 27 से बढ़ते हैं, 27 में भी काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि द्विघात समीकरण में इतना दिया हुआ है, कहता है एक मूल दूसरे मूल के क्या है, व्युत्क्रम, अब कोई एक मूल अल्फा ले ली, इसी का कहता है इसका व्युत्क्रम, तो α × 1 / क्या होता है, अल्फा, व्युत्क्रम का कहने का मतलब अल्फा, यहाँ पर गुना कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि व्युत्क्रम जो ना अल्फा एक दूसरा का व्युत्क्रम होता है, एक जो ना शून्य कितना होगा, α+β होता है, एक शून्य कितना होगा, α × β, तो अल्फा के जब अल्फा और बीटा के जब कितना दिया, 1/α दिया हुआ। ठीक है, तो 1/α × 1/α बराबर क्या होता है, C/A, मतलब α × β का वैल्यू क्या होगा जी, C/A हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल। ओके, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/ में नीचे बचा 1। ठीक है, 1/ में 1 बराबर क्या होगा, C/A। अब यहाँ से क्या करेंगे, गुना कर दो, क्या करेंगे गुना, तो क्या होगा जी, तो C बराबर क्या होगा जी, यहाँ पर गुना करेंगे तो A हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा सही जवाब, 27 से क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 में काफी शानदार है, समांतर श्रेणी में A का मान दिया हुआ है 1/2, याद रखेंगे। ठीक है, डी का मान सर जी A2 - A1 निकाल दीजिए ना, तो देखिए 1 का 1 - 1/2, इस दोनों का एलसीएम ले लो तो कितना होगा भाई, तो दोनों का एलसीएम 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 - 1, तो मतलब कितना निकलेगा, 1/2, कितना निकल जाएगा, डी का मान निकल जाएगा 2। अब यहाँ पर क्या आता है कि 15वां पद है, तो एन का मान दे चुका कितना, 15 दिया हुआ। ठीक है, एन का मान क्या दिया हुआ सर जी, एन का मान दिया हुआ 15, क्या दिया हुआ, 15 दिया हुआ। ठीक है, फार्मूला लगा लो ए एन बराबर, ठीक है, तो ए एन बराबर क्या होता है, A+N-1 पढ़ चुके हैं ना जी, तो यहाँ पर A का मान कितना, 1/2 प्लस, और N का मान जो है ना 15 - 1 × D का मान 1/2, 1/2 प्लस क्या होगा जी, 14 घटाएंगे तो कितना होगा, 14 अगुने क्या होगा, 1/2 काटेंगे तो कितना, 7 मटर कटेगा। ठीक है, 1/2 प्लस 7/ ना कुछ होता है, 1 दोनों का एलसीएम ले लो बाबू, तो यहाँ पर 1 प्लस क्या होगा जी, 7 × 2 = 14, 1 कितना होगा जी, 15/2, 15/2 सर जी देख कर जाओ, ऑप्शन नंबर बी, क्या गजब, बी 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 रट चुके हैं बी। चलिए चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है बताइए, समांतर श्रेणी में कौन नहीं है ये बताइए, तो समांतर श्रेणी कहने का मतलब होता है कि A2 - A1
a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3, ये जब तीनों का मान क्या आता है, बराबर होता है, तो क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ देखिए इसको हम लोग देखेंगे और जवाब देंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए, दस में से चार जगह तक बचेगा छः, चलिए पंद्रह में से दस जगह कितना बचेगा भाई पाँच, बीस में से दस जगह तक कितना बचेगा, बीस में से पंद्रह जगह कितना बचेगा पाँच। अब यहाँ देखिए ये तो लग रहा है नहीं होगा ना, 29 का क्या होगा जी, 29 का क्या होगा, कौन बराबर होगा, थोड़ा सा देखते इधर नजर लगाते, तो 14 में से 8 जाए तो क्या होगा 6, 20 में से 14 जाए क्या होगा 6, 26 में से 14 कितना 20 जाए क्या होगा 6, ये होगा बिल्कुल समांतर श्रेणी में नहीं है ना जी, ये नहीं ना जी, या ये ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, ये तो होगा ना, ये समांतर श्रेणी भी है, ये सारे है, ये नहीं ना, यहाँ पर छः आ गया, पाँच आ गया, पाँच आ गया, ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं ना, ये तीनों बराबर नहीं है, ये तीनों तो बराबर हो रहा था, समांतर श्रेणी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ओके चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में भी काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है और कहता देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 30 में, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 9 है और सारा अंतर कितना है, तो ए का मान प्रथम पद मतलब 9 और दिया हुआ सारा अंतर कहने का मतलब था डी का मान कितना है 3, इसके प्रथम 12 पदों का योगफल, जैसे योगफल, अरे सर जी एसएन का फॉर्मूला लगा लो, तो एसएन बराबर क्या होता है एन बाई टू इंटू में 2a प्लस क्या होता है एन माइनस 1 इंटू में क्या होता है डी। अब देखिए एसएन का मान कितना दिया हुआ है, देखिए तो एसएन का मान आपको निकालना है जी, ठीक है, तो एन का मान दिया हुआ कितना 12, 12 पदों का योग बोल रहा है तो 12, तो यहाँ पर लिखेंगे एन के जगह पर यहाँ पर लिख देते हैं 12 बट्टा में 2 इंटू में 2 अगुने और ए का मान कितना है, तो ए का मान 9 है, ऊपर दिया हुआ जी, तो 9 उसके बाद प्लस इसके बाद जो है 12 माइनस 1 इंटू में डी का मान कितना है सर जी 3 माइनस 3, ठीक है, चलिए काटेंगे तो कितना होगा 6 बड़ा 6 इंटू में 9 दुना 18 प्लस और 10 ग्यारह ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, अगुने माइनस 3, ठीक है, तो देखिए माइनस माइनस प्लस क्या होगा माइनस 11 तक कितना 33 माइनस 33 अब 18 इंटू में क्या होगा जी 6। अब यहाँ देखिए घटाएंगे तो कितना निकलेगा बताओ, घटाएंगे तो कितना निकलेगा 15 निकलेगा, तो 15 माइनस 15 गुने 6 15 छः के माइनस 90 ऑप्शन नंबर सर जी सी बिल्कुल राइट जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 के बढ़ते 31 में काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ, कहता है कि समांतर श्रेणी जो है ना 17 ए का मान कितना है 17, ठीक है, चलिए डी का मान कितना हुआ, तो 34 में से 17 जाए तो 17 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकलेगा, कहता है कौन सा पद 170 है, तो आपसे पूछ रहा है एन एन का वैल्यू पूछ रहा है और ए एन का मान दे चुका है, ए एन का मान कितना दिया हुआ है भाई, एन का मान 170 दे चुका है, ठीक है, फॉर्मूला लगा लो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 क्या होता है इंटू डी होता है, एन का मान कितना है सर जी 170 बराबर ए का मान, ए का मान 17 प्लस एन का मान तो आपको निकालना है इंटू डी का मान 17, ओके चलिए 170 बराबर 17 और यहाँ पर प्लस 17 से एन में गुणा क्या होगा 17 एन माइनस 17, ठीक है, 17 से 17 कैंसिल, अब यहाँ से क्या होता है 170 बराबर क्या होगा जी 17 एन, 17 से 17 10 मतलब कटेगा 170 और एन का मान कितना होगा 10, दसवां पद हो जाएगा, क्या होगा जी दसवां पद ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, कहता है देखिए कहता है कि समांतर श्रेणी में 51 48 45 .6 पदों का संख्या, छवां पद की संख्या कितना हुआ, ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ ए का मान कितना दिया हुआ 51 दिया हुआ, ठीक है, ए का मान कितना सर जी 51 और डी का मान क्या होगा जी, तो डी का मान क्या कैसे निकालते, ए टू माइनस ए वन, ए टू का मान 48 माइनस 51 बराबर जो है ना माइनस 3 हो जाएगा, कितना हुआ है 3 हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है क्या कि भाई लास्ट में जो है ना 6 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है लास्ट में 6 दिया हुआ, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होता है कि एन का मान कितना दिया हुआ 6 दे दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 6 दे दिया, ठीक है, तो एन का मान हो गया 6। चलिए अब फॉर्मूला लगाओ, ए एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ओके, तो यहाँ पर देखिए एन का मान 6 दिया था 6 बराबर ए का मान कितना भाई
एकावन इक्यावन इक्यावन प्लस, और इन का मान कितना है, तो इन का मान आपको निकालना है इंटू में डी का मान कितना है, तो -3 हो गया। ठीक है, चलिए वेरी गुड। ठीक है, तो छः बराबर ये ना इक्यावन, और यहाँ पर क्या होगा जी, इसको गुणा करेंगे तो प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस माइनस 3n, ये माइनस माइनस क्या होगा जी +3। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इक्यावन कितना है 54, तो 6 बराबर जो है 54 और -3n आ गया। यहाँ पर क्या करेंगे, 54 को ये इधर ला दो, तो 6 माइनस 54 बराबर -3n हो जाएगा। ठीक है, अब इसे घटा दो कितना कितना निकलेगा, जल्दी से बताओ कितना निकलेगा, 48 हो जाए ना, 48 माइनस 48 बराबर जाएगा -3n। ठीक है, माइनस माइनस कट गया, काटोगे 3 से क्या मरता है, 3 × 3 × 3 = 12 16 मरता है, इनका मान कितना होगा 16। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, ऑप्शन नंबर बी, धमाल मचा दो भाई बी को, कितना बार बी आ चुका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 के बढ़ते 33 में बताइए, तो 33 में आपको रट ही जाना है। ठीक है, 0 और 50 के बीच कितना विषम संख्या होता है, तैयार रखेंगे 25 विषम संख्या होता है, कितना होता है 25, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, कहता है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में बी कोण, यानी कि एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, चलिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, चलिए यहाँ देखिए कहता है ये बी कोण 90 डिग्री। ठीक है, तो ये बी हो गया, अरे लिखा क्यों नहीं रहा, तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो आपको दिया गया था वहाँ देखिए, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझिए इसको। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझ लो। चलिए, तो यहाँ दिया गया था आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में कि त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज जो है ना जो है एक बी जो है ना कोण है, यहाँ से देखिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, और ये बी जो है ना कोण 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसको बी मानते हैं, तो इसको क्या मानेंगे ए, इसको क्या मानेंगे भाई सी मानेंगे। ठीक है, चलिए मान लिए, अब हम क्या बताइए, अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर क्या कहता है कि जो चीज़ दिया हुआ है, कहता है ए बी का मान कितना दिया हुआ, देखिए ऊपर दिया हुआ ए बी का मान √15, तो ए बी का मान यहाँ पर लिखेंगे √15। उसके बाद जो है बी सी का मान, बी सी का मान कितना दिया हुआ 1, उसके बाद ए सी का मान कितना दिया हुआ 4, चलिए दे दिया हुआ। ठीक है, अब कहता है देखिए, कहता है टेन ए, अब ए पूछ रहा है। ठीक है, तो ए कौन, ये कौन, इसके सामने सामने जो भी जो जिस कोण के सामने सामने जो कोण बनेगा तो क्या कहलाएगा बताइए, तो उसको हम क्या कहेंगे सर जी, वो लंब का कहलाता है, क्या कहलाता है लंब कहलाता है, इस बात को याद रख। तो ये क्या होगा जी, आधार हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, कर्ण हो जाएगा ना जी, कर्ण हो जाएगा। अब कहता है समझिए कि टेन ए का मान निकालने के लिए क्या पूछ रहा है सर जी, टेन ए का मान। ठीक है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो टेन ए बराबर जो है ना फॉर्मूला क्या होता है, तो कहोगे सर जी बी सी, बी सी बट्टा में क्या होगा जी, बी सी बट्टा ए बी। ठीक है, बी सी देखिए, बी सी बट्टा ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे बी सी का मान कितना दिया हुआ बताइए, बी सी का मान कितना दिया हुआ है, तो कहोगे सर जी बी सी का तो मान दिया हुआ 1, तो 1 बट्टा में, और ए बी का मान कितना दिया हुआ √15, तो √15 1/√15 ऑप्शन नंबर देख कर जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही है, क्या होगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 हो गया, 35 के बढ़ते 35 में भी काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ, कहता है कि कौशिक ठिट्टा बराबर के है, तो कहता है कौश ठिट्टा का मान क्या होगा जी। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, कौशिक ठिट्टा, देखिए कौशिक ठिट्टा बराबर के दिया हुआ। ठीक है, तो कहता है क्या क्या पूछ रहा है, कौश ठिट्टा का मान क्या पूछ रहा है निकालना है। ठीक है, तो कॉस ठिट्टा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस ठिट्टा बराबर जो है ना फॉर्मूला जो हो जाएगा क्या होगा जी, तो कॉस ठिट्टा बराबर क्या होता है, 1 − sin² θ होता है, क्या होता है 1 − sin² θ होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि रूट अंडर में 1 − sin² θ क्या लिख सकते हैं, 1 cosec θ नहीं लिख सकते, इसको चेंजिंग करके। ठीक है, cosec² θ हो जाएगा। ठीक है, 1 − cosec² θ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो 1 − और 1 और बट्टा में cosec² θ का मान कितना है, cosec² θ का मान कितना है, cosec² θ का मान k है, तो उसका k का स्क्वायर हो जाएगा, कितना होगा k का स्क्वायर, ना कुछ हो तो 1, बट्टा पर अगर जोड़ कर दो भाई, बट्टा पर घटा होगा k का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से k का स्क्वायर माइनस क्या होगा 1, क्या होगा जी
एक हो जाएगा, ठीक है, के स्क्वायर माइनस क्या होगा जी, एक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए अब क्या क्या करेंगे बताइए। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, ये जो है ना रूट में दिया था ना जी, तो ये रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रूट जो है ना निकालेंगे तो इसका रूट नहीं निकलेगा, इसका रूट क्या होगा नहीं निकलेगा, इसका रूट निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका रूट निकलेगा तो क्या होगा, के का स्क्वायर माइनस वन, इसका रूट नहीं निकलेगा, अब बट्टा में इसका रूट निकल जाएगा के। अब देखिए के स्क्वायर माइनस वन बट्टा में के दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे हम लोग क्या होगा, तो के स्क्वायर माइनस वन बट्टा में के, ऑप्शन नंबर बी में राइट जाओ, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में भी काफी शानदार ऑप्शन दिया हुआ है, कहता है वन बाय सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो फॉर्मूला जानते हैं जी, वन बाय सेक थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी बता दो सब लोग, जो पता है ना जी, फॉर्मूला को याद कर लो घोर के पी जाओ जी, बिल्कुल कॉस थीटा होता है, क्या होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही है, ठीक है। आगे प्रश्न दिया देखिए क्वेश्चन नंबर 37, देखिए 37 में भी काफी शानदार क्वेश्चन दिया होता है, कॉस कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो एक होता है, कितना होता है एक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही है, ओके। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन 38 में कहता है, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है बट समझने की जरूरत है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कॉस थीटा बराबर 1/2 दिया हुआ, ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर जब 1/2 आपको 2 दे ही दिया हुआ, ठीक है, तो क्या होगा जी, आपको निकालना है कॉसेक थीटा का मान, क्या निकालना है सर जी, कॉसेक थीटा का मान क्या निकालना है, ठीक है। सबसे पहले कॉस थीटा बराबर 1/2, ठीक है, तो यहाँ पर जो है कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बट्टा एच होता है, क्या होता है बी बट्टा एच होता है ना जी, एच होता है ना। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, आधार बटा कर्ण होता है। चलिए तो यहाँ पर दिया हुआ क्या, आपको पी निकालना है, क्या निकालना है इसमें, बी बी एच तो मिलेगा, तो पी निकालना, तो पी बराबर क्या, तो रूट अंडर में क्या होगा जी, रूट अंडर में ई जो है ना इस दो का स्क्वायर, मतलब एच का स्क्वायर माइनस क्या होगा जी, बी का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पी बराबर है रूट अंडर में एच का स्क्वायर कितना, दो का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर, तो पी बराबर जो है ना रूट अंडर में क्या होगा जी, दो का स्क्वायर चार माइनस एक, मतलब होता है रूट थ्री, क्या होगा रूट थ्री, पी का मान क्या निकला, रूट थ्री निकलेगा, ठीक है, क्या निकल गया रूट थ्री, ठीक है। कहता है अब कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा जी, तो कॉसेक थीटा बराबर जो है एच बट्टा पी होता है, क्या होता है कॉसेक थीटा बराबर जो है ना एच बट्टा पी। अब एच का मान कितना है देखिए, इसका मान दो, अब बट्टा में पी का मान रूट थ्री, दो बट्टा रूट थ्री, ऑप्शन नंबर बी, क्या गजब, कितना बार बी है भाई, बी तो धमाल मचा चुका है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 39 के बढ़ते हैं, कहता है कि ठिट्टा बराबर 45 डिग्री, तो यहाँ पर देना ठिट्टा के जवाब क्या रखना है 45, तो सेक ठिट्टा के जवाब 45 डिग्री रख दो, प्लस कॉसेक कॉसेक ठिट्टा के जवाब कितना रख रहे हैं 45 डिग्री। अब यहाँ पर देख सेक ठिट्टा का मान, सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है बताओ, जल्द से बता दो, सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है रूट टू होता है, कितना होता है रूट टू, और प्लस कॉसेक 45 डिग्री का मान भी रूट टू, अभी क्या करेंगे जोड़ेंगे तो टू रूट टू के हो जाएगा, कितना होगा दो रूट टू, ऑप्शन नंबर डी, अब आया डी, चलिए चलिए कोई बात नहीं, चेंजिंग तो हो गया। अगला प्रश्न दिया देखिए, देखिए अगला प्रश्न यह है कि देखिए रूट थ्री टेन ए माइनस थ्री स्क्वायर टू जीरो, ठीक है, यहाँ से निकालेगा पहले रूट थ्री टेन ए, पक्षांतर कर दो इसको, तो माइनस उधर जाए तो प्लस होएगा, यहाँ से टेन ए निकालो, तो टेन ए बराबर क्या होगा भाई, तो थ्री बटा रूट थ्री हो जाएगा, इसको क्या करेंगे रूट थ्री को हम पसंद नहीं करेंगे रखना, तो इसलिए हम इसको हटाएंगे, ठीक है। यहाँ से क्या होगा जी, तो थ्री रूट थ्री और बट्टा में दोनों को गुणा करेंगे क्या होगा थ्री, थ्री थ्री कैंसिल, क्या हो जाएगा रूट थ्री, तो टेन ए बराबर क्या होगा जी, टेन ए बराबर जो है ना रूट थ्री हो गया, क्या होगा रूट थ्री, ठीक है। अब जब बताइए कि टेन रूट थ्री किसका मान होता है बताइए, टेन ए में जो है टेन थीटा में रूट थ्री किसका मान होता है, किसके बराबर होता है जल्दी से बता दो, तो 39 हो गया, 40 का आंसर क्या हो जी, तो 40 का ऑप्शन नंबर 60 डिग्री के बराबर होता है ना जी, 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का मान जो है ना रूट थ्री होता है, इस बात को याद रखेंगे, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, ओके। अगला प्रश्न दिया देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ देखिए, कहता है कि सेक 35 डिग्री बट ना भी कॉसेक 35 डिग्री, तो इस दोनों को बनाएंगे तो क्या होगा एक, उसका क्या होगा स्क्वायर, एक का स्क्वायर कितना होता है एक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 42 के बढ़ते हैं, 42 में भी काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ, कहता है निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक होगा बताइए, तो कौन ऐसा संख्या जिसका मान क्या होगा सबसे अधिक होगा,
तो इसका मान तो क्या है, वन बाई रूट टू होता है। क्या होता है, कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है भाई, तो वन बाई रूट टू होता है। क्या होता है, वन बाई रूट टू होता है जी, ठीक है। अच्छा, साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉस कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। अब जो है इसका कितना होता है, 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2। अब बताइए, आप ही बताओ कि सबसे ज्यादा कौन है। हाँ चलो, इसका बताओ बाबू, तो सबसे ज्यादा कौन मान था भाई, तो मैंने बताया था, तो एक होगा ना जी, एक हो जाएगा ना, एक हो जाएगा। चलिए ऑप्शन थोड़ा देख लेते हैं, पेन ले लो। चलिए इसका क्या हुआ जी, एक जो ना, इसका जो ना मान सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही है, ठीक है, क्योंकि ने एक सबसे ज्यादा अधिक बोल रहा है, तो अधिक होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 के बढ़ते हैं। 43 में देखिए कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, बताइए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। ये तो फॉर्मूला है भाई, 1/√2 होता है। क्या होता है, 1/√2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही है आप, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, इस क्वेश्चन को भाई बनाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन जब तक नहीं बनाओगे तब तक नहीं बनेगा बिल्कुल, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा जी, तो देखिए कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, सबसे पहले हम फॉर्मूला जानते हैं ना जी, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ना होता है जी, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब क्या करना है, कि यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले 1 आ गया, बीच में माइनस हो गया, यहाँ पर देखें माइनस 1 था, यहाँ पर माइनस नहीं आ गया, ठीक है। तो क्या करेंगे बताइए, तो देखिए इस तरह में हम क्या करेंगे, इस तरह को करेंगे कैसे, इसको हम कॉमन माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा भाई, तो ये जो है ना प्लस में हो जाएगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस में चला जाएगा, माइनस में 1, ठीक है। अब ये माइनस कहाँ लगेगा भाई, तो ये माइनस इसके सामने लगेगा। अब देखिए ये जो है ना कॉस स्क्वायर माइनस 1 जो है ना, कॉस स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर है, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ जो है एक चीज दिया हुआ, क्या दिया हुआ देखिए, फॉर्मूला जो यहाँ होता है वो क्या होता है कि सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि 1 जो है प्लस में दिया हुआ, यहाँ पर माइनस में दिया हुआ, तो यहाँ पर क्या करेंगे कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा भाई, तो ये वाला प्लस में बन जाएगा, तो क्या बचेगा भाई, तो 1 1 और उसके बाद माइनस सेक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा भाई, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर बन जाएगा, सेक स्क्वायर बन जाएगा, और इनटू में क्या होता है कॉट दिया हुआ, कॉट स्क्वायर दिया हुआ, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा गुने कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे माइनस दिया हुआ तो माइनस, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, आगे दिया हुआ माइनस 1, तो माइनस 1 क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही है, ठीक है, समझ गए। चलिए बहुत अच्छे, अगला प्रश्न दिया देखिए, कहता है कि क्या दिक्कत है कि साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा बराबर क्या होता है, तो साइन कॉट बराबर क्या होता है, जल्दी से बताओ, तो साइन कॉट बराबर क्या होता है जी, इसका आंसर क्या होगा जी, तो सबसे पहले हम देखिए इसको सजाएंगे, इसको क्या करेंगे सजाएंगे, तो साइन अल्फा इंटू में कॉट अल्फा, ठीक है, सॉरी अल्फा अल्फा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन अल्फा का अल्फा लिख दीजिए और गुने, और कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट को हम लिख सकते हैं सर जी साइन कॉस बाई कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, साइन से साइन काट दिया, क्या बचेगा कॉस अल्फा, क्या बचेगा कॉस अल्फा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही है, ठीक है। अगले प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 47 के बढ़ते हैं, 47 में भी काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ, कहता है थीटा बराबर, थीटा बटा 5 बराबर 60, तो पहले थीटा का निकाल दिया, थीटा बराबर जो है 12 5 60, 60 हो जाएगा ना जी। अब कहता है थ्री गुने कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 3 गुने कॉसेक कॉसेक और थीटा का मान 60 डिग्री, ठीक है, तो कॉसेक 60 डिग्री का मान बताओ क्या होगा जी, तो कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, जल्दी से बता दो फटाफट, 2/√3 होता है, क्या होता है सर जी, 2/√3 होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 3 गुने 2 का स्क्वायर 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या होगा जी, तो 4 के 12/2 में क्या होगा जी,
इसको ऐसे भी काट सकते हैं, 3 से 3 कट गया, क्या बचेगा 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, डी हो जाएगा 47 का। सी हो जाएगा, सी सी, हाँ 4 निकलेगा, सी ना निकलेगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को बढ़ते हैं। 48 में भी काफ़ी शानदार क्वेश्चन कहता है, इस क्वेश्चन को समझिए कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1। ठीक है, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ। तो कहता है कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस कॉस के पावर 4 का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो ध्यानपूर्वक समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ दिया हो उस चीज़ को लिख देंगे। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस साइन साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा जी, तो यहाँ से आप निकालिए साइन, तो साइन एक्स बराबर क्या होगा जी, तो साइन एक्स बराबर जो है ना यहाँ पर क्या होगा जी, तो साइन एक्स बराबर जो है ना यहाँ पर निकलेगा 1 माइनस, इसको निकालेंगे। ठीक है, तो 1 माइनस क्या होगा जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब बट्टा में क्या होगा जी, अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर साइन एक्स बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस साइन एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बता दो, 1 माइनस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है कॉस एक्स स्क्वायर, क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स लगा दो। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या हो गया कि साइन एक्स का मान क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, साइन एक्स का जो वैल्यू हो गया क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से निकालना है, देखिए कॉस स्क्वायर यहाँ देखिए ऊपर दिया हुआ ना कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस के बराबर 4 दिया है, तो इसको मैं सजा लेता हूँ। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स उसका उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, तो यहाँ पर जो ना यहाँ पर बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, अब कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ बताइए, कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू दिया हुआ आपको साइन एक्स, कितना दिया हुआ है तो साइन एक्स, तो यहाँ पर साइन और उसका स्क्वायर है तो ए स्क्वायर। ठीक है, और एक्स का एक्स देंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाए साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है ना जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए 48 का क्या हो जाए, सी हो जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, कहता क्या है कि 49 में निम्नलिखित में कॉसेक 60 डिग्री का मान बराबर है, तो किसके बराबर होता है बताइए, तो कॉसेक जो है ना 60 डिग्री जो है ना वो कॉसेक 30 डिग्री के मान होता है बराबर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के बढ़ते हैं, 50 में भी काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर एक्स दिया हुआ। ठीक है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या दिया हुआ भाई, तो एक्स दिया हुआ। ठीक है, तो इसको जब निकालेंगे समझिए, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको आप निकालेंगे समझिए ये इस तरह से, क्या होगा जी, तो यहाँ पर जो है ना आपको कॉसेक 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 थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ। ठीक है, ये लिख देना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं, यहाँ पर एक्स दिया हुआ ना, तो यहाँ पर एक्स दिया हुआ तो एक्स लिख देंगे। ठीक है, तो इसको समीकरण एक भी मान लेते हैं। ठीक है, एक मतलब पहले मान लेते हैं, इसको एक मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इतना पार्ट को पहले लीजिए, कॉसेक थीटा और उसके बाद ये ना कॉसेक थीटा, उसके बाद जो ना प्लस में क्या होगा जी, तो प्लस में कॉट थीटा, और यहाँ पर जो है ना एक मतलब जो ना इसमें माइनस में स्क्वायर है ना जी, इसमें स्क्वायर कर दीजिए, इसका फॉर्मूला बन जाता है, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसमें निकालना है, तो इसका निकलेगा कितना मान, तो इसका मैं बता दे रहा हूँ, इसका मान निकलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस तरह से निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये सी ही से। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और प्लस 1 बट्टा में 2x निकल जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जो है 51 से मैं बताऊंगा जो भी क्वेश्चन है 51 से। ये पार्ट 1 था इस वीडियो का। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।